नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के बड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमागोड़ा में आज बीदू चादन बोंगा बुरु के शुभ अवसर पर विशाल मुर्गा पाड़ा का आयोजन किया गया, जहां मुर्गों की लड़ाई आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं महिलाओं व बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जैसे म्यूजिकल चेयर रेस इत्यादि। इस दौरान संताली रीति रिवाज से बीदू चादन की पूजा अर्चना की गई। पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी के दो गढ़ चायगढ़ एवं मानगढ़ में पुरानी दुश्मनी को मिटाने के लिए लीटा गोसाई ने स्वर्ग लोक से इन दोनों को जीवित रूप देकर धरती पर भेजा था। बताते हैं कि जिस तरह हिंदू सनातन संस्कृति में माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है, उसी प्रकार आदिवासी समाज में बिदु चंदन अनल बोंगा को ज्ञान का देवी देवता माना जाता है। आदिवासी अलचिकी लिपि के माध्यम से पत्थरों पर उन्होंने अपनी बातों को पत्थरों पर उकेरा था। इस तरह आदिवासी समाज में अलचिकी लिपि की शुरुआत हुई थी। मेरा नाम श्वेता टुडू है, मैं सीमागोड़ा गांव से हूँ। ये प्रोग्राम का पर्पस है कि ये बिदु चंदन के अवसर पर मनाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर बिदु चंदन सभी लोग मनाते हैं सरस्वती पूजा, उसी प्रकार यहाँ पर हम ट्राइबल इसको बिदु चंदन के अवसर पर मनाते हैं। इस बिदु सरस्वती पूजा में जैसे शिक्षा की देवी है, ट्राइबल लोगों का ये बिदु चंदन हमारी देवी है। बिदु और चंदन ये दोनों पति पत्नी है। ये हम लोगों का स्थापित हुआ था 1994। स्टार्टिंग में इतने अच्छे से नहीं मना रहे थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। लोग जागरूक हुए हैं इस चीज को लेके और काफी यहाँ हमें भीड़ दिख रही है आप लोगों को, तो हमें काफी प्रसन्न हो रही है क्योंकि मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ। ये हमारा जो पूजा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये शिक्षा की देवी, हम लोग उसको मानते हैं। ये प्रोग्राम बड़ाम प्रखंड सीमागोड़ा गांव में हो रहा है।